this is the start of the show. The grand opening ceremony. स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर के सेल्टिक पार्क में स्कॉटलैंड की संस्कृति और धरोहर की रंगारंग और भव्य प्रस्तुति पेश करने वाले कार्यक्रम में 20वें राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक शुरुआत हुई। 11 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के दौरान 71 देशों के 4,500 से अधिक एथलीट 17 खेलों में चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले आयोजित रंगारंग उद्घाटन समारोह में कलाकारों के खूबसूरत प्रदर्शन के साथ ही शानदार आतिशबाजी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद स्कॉटिश रेजिमेंट का पाइप बैंड स्टेडियम में पहुंचा और उनके साथ सुसान बायल ने अपनी प्रस्तुति दी, जबकि इसी दौरान 9 हाक रेड एरोज विमान ने शहर के ऊपर वी आकार में फ्लाई पास्ट किया, जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के आने का संकेत था। ब्रिटेन के सर्वकालिक महान ओलंपियन साइक्लिस्ट स्कॉटलैंड के सर क्रिस हाय को महारानी को क्वींस बटन सौंपने का सम्मान मिला, जिसके बाद महारानी ने अपना संदेश पढ़ा। यू द कॉमनवेल्थ एथलीट्स, आई सेंड माय गुड विशेस फॉर सक्सेस इन योर एंडेवर्स। योर अकॉम्प्लिशमेंट्स ओवर द कमिंग डेज विल एनकरेज अस ऑल टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स दैट यूनाइट अस। Now gives me the greatest pleasure to declare the 20th Commonwealth Games open. भारत भी समारोह का आकर्षण रहा, जब महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एक संक्षिप्त वीडियो क्लिप के दौरान दिखाई दिए। उन्होंने यूनिसेफ के ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में दुनिया भर के बच्चों के जीवन यापन के स्तर में सुधार के लिए लोगों से अधिक दान देने की अपील की। We'll show you how we can do that. भारतीय दल की अगुवाई ध्वजवाहक और ओलंपिक रजत पदक विजेता निशानेबाज विजय कुमार ने की। भारत 2010 में पिछले राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान होने के नाते टीमों की परेड में सबसे पहले आया। भारतीय पुरुष खिलाड़ी काले ब्लेजर और ग्रे ट्राउजर में नजर आए, जबकि महिला खिलाड़ियों ने साड़ी पहन रखी थी। सेल्टिक पार्क के अंदर की गतिविधियों को मेहमानों और दर्शकों को यूरोप की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन पर दिखाया गया। यह विशाल स्क्रीन स्टेडियम के लगभग पूरे दक्षिण स्टैंड के बराबर थी। लगभग 3 घंटे चले इस रंगारंग समारोह की शुरुआत स्कॉटलैंड के इतिहास की एक झलक के साथ हुई। स्टार वॉर्स के अभिनेता इवान मैकग्रेगर ने पूर्व में रिकॉर्ड किए गए संदेश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद ग्लासगो के कॉमेडियन केरन डुम्बर ने एक विस्तृत गाना और डांस पेश किया। इस दौरान उनके साथ टॉर्चवुड स्टार जैन बैरोमैन भी मौजूद थे। इस 8.5 मिनट के हिस्से को किंगडम ऑफ द स्कॉट्स नाम से रोड स्टुअर्ट ने गायिका गीतकार एमी मैकडोनाल्ड और ग्लासगो के सैकड़ों आम नागरिकों के साथ अपने गाने रीदम ऑफ माय हार्ट पर परफॉर्म किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।